शुक्रवार को जनपद पंचायत परिसर में भव्य शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तीसरी बार जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनी गई सुनीता इंदर सिंह चौहान ने विधि विधान के साथ शपथ ग्रहण करी। वहीं उनके साथ सभी सदस्यों ने भी शपथ ली। समारोह को भव्य रूप से सजाया गया। जनपद पंचायत अलीराजपुर के सभी पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच और पंच इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ शुरू हुई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता इंदर सिंह चौहान और अतिथियों ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्कूल की छात्राओं द्वारा गाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के नेता इंदर सिंह चौहान, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष किशोर शाह, नगर पालिका अलीराजपुर अध्यक्ष रितु डावर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वही इस समारोह का सबसे मनमोहक पल तब था जब सभी धर्म गुरुओं को मंच पर विराजमान कर उनकी उपस्थिति में शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में युवा नेता इंदर सिंह चौहान ने आम जनता का आभार मानते हुए कहा कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत से ही संभव हो पाया है। लगातार जनपद पंचायत में भाजपा की जीत को लेकर इंदर सिंह चौहान ने कहा कि ये जीत विकास की जीत है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। सरकार की योजनाओं पर जनता ने विश्वास जताया है और भाजपा समर्थित सुनीता इंदर सिंह चौहान को जनपद पंचायत अध्यक्ष पद पर लगातार 3 बार जीत दिलाकर बिठाया है। लगातार जनपद में भाजपा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे, जीत का श्रेय किसे देंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के सुखदुख में इंदर भाई सुनीता चौहान साहब ने हमारे सभी सरपंच को कभी भेदभाव नहीं करते हैं, उसीलिए उनके मान सम्मान में कांग्रेस वाले भी खड़े हैं, बीजेपी वाले खड़े हैं और उनके मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में भी समर्थ मौर्य पूर्व सरपंच हूँ, मेरी मिसेज वर्तमान सरपंच है, हम भी सभी सरपंच एक साथ होके ने इंदर सिंह भाई समर्थक में और उसको जीता है, उसके बहुत खुशी हमारे है। और हमारा भी फाटा वाला मेर सिंह भाई उपाध्यक्ष बना है जनपद पंचायत का, उसके बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र में खुशी है, उसके सब लोगों को ढेर सारी आभार देता हूँ। विकास के लिए आगे क्या रणनीति है आप लोगों? सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबने हमको जीता है तो सबके साथ सभी भैया हमारा है, हम लोग सबके बीच में जाएंगे, जो भी सुख दुख में आएगा उसके साथ देंगे, उसके सहयोग करेंगे और हमारे से नहीं बनेगा भैया से मदद लेंगे हम, और उसका भैया से मदद लेंगे, भाभी से मदद लेके जहाँ विकास नहीं होता उनका विकास नियम के अनुसार जो कार्य रहेगा उसका करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं समर सिंह मौर्य, ग्राम पंचायत नानपुर, पूर्व सरपंच। लगातार जनपद पंचायत में भाजपा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जनपद अध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण अलीराजपुर जनपद में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान शिवराज सिंह चौहान जी, जन कल्याण योजना नीचे तक उनके विकास की जीत है। आगे क्या रणनीति है विकास को लेकर? आगे रणनीति यह है कि आज हम अलीराजपुर जनपद से सभी सरपंच निर्वाचित जीत कर आए हैं, जनपद सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, इनके साथ हम बैठक करेंगे, पूरी एक रणनीति के तहत हम लोग को सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम के साथ हम लोग नीचे काम करेंगे। अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।